सख्ती में संविधान दिवस मनाया गया। स्टेशन रोड नागा चौक पर बाबा अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के स्मारक पर मनोहर खुटे, डॉक्टर कुर्रे, डॉक्टर बंजारे समाज के युवा वर्गों ने माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी और संविधान प्रस्तावना का वाचन कर शपथ ली। उसके बाद बैठक की गई और संविधान की प्रस्तावना एवं अधिकारों की जानकारी पर बात हुई। अरुण सोनवानी ने मौलिक अधिकार अधिकार मान्यता कानून 2006 पर जानकारी दी और अधिकारों के संबंध में बताया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित संविधान विश्व के सबसे बड़े एवं विश्व के सभी संविधानों में श्रेष्ठ भारतीय संविधान को माना जाता है। समता, स्वतंत्रता, बंधुता एवं न्याय पर आधारित भारतीय संविधान हम सभी नागरिकों को हमारे अधिकार एवं कर्तव्यों का बोध कराती है, जिसमें विभिन्न प्रकार के मौलिक अधिकार समाहित है। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, जिसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अथक प्रयास से 2 साल 11 माह 18 दिन में तैयार किया गया, जिसे 26 जनवरी 1950 को संसद द्वारा अंगीकृत किया गया। इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर श्रीमती कमलेश बसंत जांगड़े, मनोहर खूटे, डॉक्टर कुर्रे, डॉक्टर बंजारे सहित समाज के सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष उपस्थित थे। पूरा देश 26 नवंबर को पूरा देश आज संविधान दिवस मना रहा है। संविधान हमारे सिर्फ एक दलित वर्ग के लिए नहीं, पूरा वह सभी वर्ग के लिए हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान लिखा उसमें सभी को है। आज हमारे दलित समाज के सब बहुत सारे वरिष्ठ छोटे से लेके बड़े तक को लिए सभी का ध्यान में रखा गया है और सभी वर्ग के लोग आज हमारे अच्छे अच्छे पद में हैं, अच्छे अच्छे उच्च स्थान में हैं, जिले में हैं, जनपद में हैं, अच्छे अच्छे राजनीति में हैं भी और शिक्षा के क्षेत्र में अधिकारी कर्मचारी हैं, बिजनेस में सभी वर्ग हमारे ध्यान में रखते हुए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो आज ही के दिन है उन्होंने अपना संविधान लिख कर सभी वरिष्ठ लोगों को सौंपा था और आज उसका हर कोई उसका संविधान का पालन कर रहा है।